हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मांडला। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की हिस्ट्री की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगम के कवियों ने 8 पदावलियों एतु तोगे लिखी थी, जो प्राचीन तमिल साहित्य की महानतम स्मारक है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय। तृतीय संगम के कवियों ने 8 पदावली एतु तोगे लिखी थी, जो प्राचीन तमिल साहित्य की महानतम स्मारक है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, किस संगम साहित्य को पांडे शासकों का सबसे अधिक संरक्षण प्राप्त था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम। प्रथम संगम साहित्य को पांडे शासकों का सबसे अधिक संरक्षण प्राप्त था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार में भारत के दक्षिणी भाग के महत्व की पर्याप्त जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तोलकप्पियम, ऑप्शन बी शिल्पाधिकारम, ऑप्शन सी मणिमेखले, ऑप्शन डी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। समुद्री व्यापार में भारत के दक्षिणी भाग के महत्व की पर्याप्त जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक से प्राप्त होती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अष्ट पदावली की रचना किस संगम में हुई थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम संगम, ऑप्शन बी द्वितीय संगम, ऑप्शन सी तृतीय संगम, ऑप्शन डी चतुर्थ संगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय संगम। अष्ट पदावली की रचना तृतीय संगम में हुई थी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक में अलंकार शास्त्र है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तोलकप्पियम, ऑप्शन बी शिल्पाधिकारम, ऑप्शन सी मणिमेखले, ऑप्शन डी अहनारू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तोलकप्पियम। तोलकप्पियम पुस्तक में अलंकार शास्त्र है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस पुस्तक का शाब्दिक अर्थ नूपुर कहानी है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिल्पाधिकारम, ऑप्शन बी प्रिय पुराण, ऑप्शन सी वेरुलम, ऑप्शन डी कलिंग तुप्राणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम पुस्तक का शाब्दिक अर्थ है नूपुर कहानी। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, विषय वस्तु की दृष्टि से संगम काव्य को कितने भागों में विभक्त करते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दो भाग, ऑप्शन बी तीन भाग, ऑप्शन सी चार भाग, ऑप्शन डी पाँच भाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दो भाग। विषय वस्तु की दृष्टि से संगम काव्य को दो भागों में विभक्त करते हैं। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, पांडवों के संरक्षण में संपन्न तमिल कवियों के सम्मेलन में सर्वाधिक उल्लेख किस वंश को का किया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पांडे, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी शक्तिपुत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चेर। पांडवों के संरक्षण में संपन्न तमिल कवियों के सम्मेलन में सर्वाधिक उल्लेख चेर वंश का किया गया है। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, तोलकप्पियम किसके शिष्य थे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अगस्त्य, ऑप्शन बी नक्कीर, ऑप्शन सी इलांगो वादिगिल, ऑप्शन डी तिरुवल रुलल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अगस्त्य। तोलकप्पियर अगस्त्य के शिष्य थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संगम में तोलकप्पियम नामक पुस्तक की रचना हुई। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम संगम, ऑप्शन बी द्वितीय संगम, ऑप्शन सी तृतीय संगम, ऑप्शन डी चतुर्थ संगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय संगम। द्वितीय संगम में तोलकप्पियम नामक पुस्तक की रचना हुई। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पिछले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके लिए था, कुशाणकालीन देवकुल किस स्थान से मिले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मथुरा। मथुरा से कुशाणकालीन देवकुल स्थान मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके लिए है, नागार्जुन किसके दरबार को सुशोभित करते थे। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी।
अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।